सा धमाका और करना चाहती हूँ। ओटो बिटिया की स्क्रिप्ट कहाँ किसने लीक कर दी है जिस वजह से ऐसे धमाल जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर दें, लाइक के साथ साथ शेयर भी कर सकते हो तो जरूर से करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहती हूँ अपनी YT फैमिली से कि हमारी YT फैमिली का लोग जो है हिस्सा बन रहे हैं, कुछ नए लोग जो हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो मैं कहना चाहूँगी वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है जी। तो चलिए, मोस्ट फेवरेट आप लोगों का टॉपिक वो लेकर आई हूँ आज मैं, यानी कि झूठी और पुतन। पूरा अप्रैल ध्यान से सुनना आज का वीडियो, देख लेना, समझ लेना, अपनी नजरों के आगे ले आना वो चेहरा, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, मेरे चेहरे को नहीं, उस चेहरे को, अपने सोच में। वहां जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर यह बताना चाहती हूँ कि देखिए पूरा अप्रैल जो है ये फूल बनाने वाले हैं अपने ही स्पून को और खूब ढेरों ढेरों डॉलर छापने वाले हैं। डॉलर छापना गलत बात नहीं है, ठीक है, मेहनत करते हो, कमाई तो करोगे करोगे, लेकिन झूठ क्यों बोलते हो, झूठ क्यों बोलते हो, क्यों नहीं बताते हो किसी को कि यहाँ पे अर्निंग हो सकती है और PR से तो बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है, ऐसा आप क्यों नहीं बताते हो अपने ही स्पॉन्स को ताकि वो अपना ब्रांच ना ओपन कर ले और फिर कहते नजर आए कि हेड ऑफिस है, चलिए जी झूठी के झूठ से पर्दा उठाते हुए चलते हैं हम लोग शिमला। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि झूठी जो है वो चांदपुर से क्या कह के आई थी कि उसको जो है वो आइल्स करनी है, लेकिन वो चांदपुर की रानी जो है बदनूर चांदनी फैलाते हुए यहाँ पर वो तो आई है। लगा था मुझे पहाड़ों की रानी खूबसूरत, वो ऑलवेज खूबसूरत तो है लेकिन दिल खूबसूरत नहीं है उसका, वो बहुत ही गहरी प्लानिंग के साथ आई है, लेकिन आइल्स का जो इतना शोर था वहां पर वो सब कुछ वो भूल भाल चुकी हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि पुतन का पेंडिंग था PR, जो कि एक कपल PR होना था, इनको मिला था एक स्पॉन्सर, तो अब झूठी के बाद तो जाना था इनको, है ना जी। 3 मेंबर जो हैं वो अलाउड थे, जो भी था एनीवेज ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, खूब फुल धमाल करी है, एंजॉय करी है, मतलब पुतन के PR के ऊपर ये जो प्रमोशनल वीडियोस था ये मिला था पुतन को। और दूसरी बात, एक बार इसी ही एपिसोड में बताया गया है अपने ही स्पून के साथ साथ बहुत सारी जनता को फूल बनाया गया है कि पुतन जो है वो अब अलग रहेगी ना, तो आइड्स का कुछ नजर आ रहा है कि जिस काम के लिए आप आए हो वो करते चले जाओ, लेकिन एक सिंपैथी गेन करते हुए बेचारी बनते हुए दिखाया है जहां पर पुतन ने। मैं ये कहना चाहती हूँ इंडिपेंडेंट होना अलग चीज है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के लिए अपने आसपास ही आप लोग देखते या फिर किसी सिटी में देखते जहां पर आपका मतलब कि दूर दूर तक आप वहां देख रहे हो जहां पर आपको कोई फैसिलिटीज नहीं है, है ना। लेकिन सोसाइटी में, हम लोग भी सोसाइटी में रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम लोग ये घर देखने आए थे तो हमें एक्चुअली में जो रेंटेड हाउस जिनको लेना होता है तो वो आपको रेंट का हाउस ही दिखाया जाता है, आपको वो नहीं दिखाया जाता, क्या कहते हैं उसको, सैंपल फ्लैट नहीं दिखाया जाता आपको। सैंपल फ्लैट आपको जब दिखाया जाता है जब आपने खुद की परचेजिंग करनी हो, 1 बेडरूम सेट या फिर स्टूडियो फ्लैट या फिर जो भी आप लोग कह लें उस चीज को, तो मे बी उसकी अमाउंट इतनी थी 15,000 या 16,000 या फिर 10,000 आपको पे करना पड़ेगा, ना कि रेंट, बल्कि आपको पे करना पड़ेगा अगर आप लोन ले लेते हो, लोन की वो एक इंस्टॉलमेंट होगी। बहुत बेवकूफ बना लिया, क्योंकि पुतन जो है उसके पैसे पर ऐश है, पुतन बिल्कुल ब्रेनलेस है, ठीक है, जिसका दिमाग नहीं है उसको वो चीजें क्लियर नहीं आती, मुंह फटता है, बड़बोली है, बोल लेती है, लेकिन यहाँ पर बदतमीजी जो है वो दिखाते हुए कि उसने वो सीन जो है स्टूडियो फ्लैट वाला वो कट करना वो शायद भूल गया था। सब चीजें देखी हैं, बहुत अच्छे से देखी हैं, और मे बी ये जो प्रमोशनल वीडियो करा है इस स्टूडियो फ्लैट का, शायद इनको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करवाया बिल्कुल भी, वैसे जैसे झूठी ने करवाया था, याद है आपको, उसने भी तो परचेज करना था, बाद में सब बातें जो है वो ओपनली हो गई, खुल गई सबके सामने कि वो एक PR था।
ऐसे ही यहाँ नोएडा में भी चल रहा है इस टाइम पर, ठीक है जी। आप जाते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं, अगर आपके बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 4-5-6 लाख अगर आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आप वहाँ पर जाते हो, एक वीडियो बनाते हो, उनसे बातचीत कर लेते हो, तो आपको उस एक वीडियो के लिए वो पे करते हैं 10,000 से 15,000 तक। अगर आपके कम है या कैसे, जो भी है वही मैटर जो है सॉर्ट आउट होता है। यहाँ पर ऐसा ही करती हुई नजर आई है इनकी खुद की ही दिया और बाती वाली फ्रेंड, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एक झूठ से, दो झूठ से पर्दा फाश। अब यहाँ पर बारी आती है आइल्स की। अब वही करने आई थी तो सीएचडी चले जाओ, लेकिन पुत्तन को आपने एक अच्छी राय बिल्कुल नहीं दी, लेकिन खुद अच्छी और सच्ची बनती हुई नजर आई। यहाँ पर तो डीजे मी का भी मुंह बंद ही रहा, मुंह बंद रहा डीजे मी का, नहीं तो वो बोलती हुई सब कुछ बड़बोली, वो कुछ भी बोल देती, सब भेद इनके खोल देती, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए खोल भी दिए। जब उस टाइम पे मन में मेरे ये भी थोड़ा सा आ रहा था कि देखिए कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी को ये नहीं समझाती कि बच्चा थोड़ा बड़ा होने दो, उसके बाद तुम जो भी करना चाहती हो, जैसे भी करना चाहती हो, देखना ठीक है, सेपरेट होना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते नंदनपुर वाले, इसके साथ जाइए, उनके साथ जो भी है, सेपरेट रहना चाहते हो बेटी, ये तुम्हारा डिसीजन, ठीक है ठीक है। लेकिन तुम जो हो अपने बच्चे के साथ, छोटे के बच्चे के साथ, तुम अलग से अभी फिलहाल नहीं रहोगी, क्योंकि बत्ती का अभी दूर दूर तक मतलब ज्योति का कोई पता नहीं, कि ज्योति ने ही प्रेशराइज किया इनको, ज्योति ने ही बत्ती को प्रेशराइज किया। लेकिन नहीं, ये झूठ इतनी सफाई से बोल जाते हैं ना, कि मतलब लोगों को लगता है जो स्पून है वो नीचे बैठे रो रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं, दूसरों के साथ लड़ रहे होते हैं, खुद आईडी बदल के ये भी लड़ लेती है उनके साथ। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि एक माँ का फर्ज, एक माँ का फर्ज यही था कि बिटिया मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 1.5 साल रुको, अभी बच्चा स्कूल जाने लग जाए, उसके बाद जो तुम्हारा डिसीजन होगा तुम करना, तुम जॉब भी कर सकती हो, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम एमए हो, तुम एमए ही हो, एमए की एमए ही की, ठीक है, वही वाली बात होगी, क्योंकि दिमाग नहीं ना यूज किया, ठीक है। और मतलब डरा रहे हो अपने अपने टाइटल के साथ, तीनों बैक टू बैक एपिसोड आ रहे हैं, लेकिन डरा रहे हैं सबके साथ, बेचारी बना के रखा हुआ इस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लड़की को। यहाँ पर सच्ची होती हुई नजर आई है झूठी की, नहीं वो इनके डिसीजन में इनके 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 साथ नहीं है, इधर ही बैठी हुई थी ना, इनके साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो है झूठ में पूरा साथ बनाया, एक स्क्रिप्ट लिख के दी कि हम सब मिलके झूठ बोलेंगे, और गाना भी गाया, हम साथ साथ हैं, अब तो पिक्चर भी दिखाई जा रही है, और ये गाना जल्दी ही गुनगुनाया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। मैंने पहले भी बोला था और वैसे ही हुआ था कि नंदनपुर वालों के यहाँ पर गाना गुनगुनाया गया था, हम साथ साथ हैं, और साथ में ही अब जो आने वाला है एक 1 मंथ बाद चिंटू का, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन, देखते हैं उसमें क्या होता है, क्या धमाल होती है। लेकिन ये पूरा महीना जो है अब सबके सब अप्रैल फूल बनाएंगे, अपनों को नहीं अपनी वाईटी फैमिली को, ठीक है जी, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो झूठी है उसने साथ दिया इसका इसमें, क्योंकि इसने पूरी स्क्रिप्ट जो है वो रेडी करके दी थी। चलिए झूठी के ऊपर आते हैं कि अगर जो है रेंट पे रहना चाहती है पुत्तन, तो मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि झूठी, तुम्हारा तो ऊपर वो है ना अभी घर, नीचे तो आपने रेंट पे दे दिया होगा, जा दे दिया है, जा देना है, अदरवाइज जो ऊपर वाला घर है वो पुत्तन के साथ तुम क्यों नहीं रह लेती हो वहां पर, और पीजी का खर्चा भी बचेगा तुम्हारा भी, और पुत्तन पीछे से तो है ही है वो देख रेख करने के लिए, काम तो वो कर ही लेगी, पक्की पकाई गर्मा गर्म रोटी भी मिल जाएगी, देखा दे दी ना मैंने बिना पैसे की एडवाइस, ठीक है। लेकिन हमारा जो एपिसोड होता है वो यूथ के लिए है, आज के यूथ के लिए है, जो कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कमियां सब में होती हैं, हम में भी बहुत हजारों कमियां हैं, लेकिन अगर सामने वाला बता दे हमें कि आप में ये कमी है, तो हमें एक बार तो सोचना चाहिए। 10 लोग एक बात बोल रहे हैं, एक जना खुद अपने पे भी हाँ नहीं मैं ही सही हूँ, तो वो चीज़ नहीं, वो जो 10 लोग बोल रहे हैं थोड़ा उस पर गौर फरमा ले, फिर करें वो ही जो आपका दिल या दिमाग कहे, ठीक है। क्योंकि रिश्तों में दिल की जरूरत है, बिजनेस में दिमाग की जरूरत है, फिलहाल जो है यहाँ पे तो बिजनेस बिजनेस खेला जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आइस कब तक होती है मैडम जी, लेकिन फार्मेसी तो कुएं में चली गई,
है ना, बिल्कुल खूह में फेंक दी आपने। क्योंकि फार्मेसी की उस डिग्री का भी क्या फायदा कि आपको करना ही नहीं था, वहां ही जाना था। तो चलिए वहां जाते हैं या यहीं रह जाते हैं, या फिर चांदपुर वापस जाते हो, या फिर नया कौन सा गेम खेलते हो, क्योंकि चांदपुर में भी आप घर ढूंढ रहे थे और अभी यहाँ भी इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, तो वहां पे आप देखने लग गए हो। मतलब पुत्तन का साथ जो है वो आप दोगे आप गलत चीजों में उसका साथ दोगे, उसके दिमाग में गलत बातें नहीं भी होंगी तो वो आप भर दोगे, ठीक है। लेकिन अब जो मैं जाने से पहले एक बात यहाँ पर ओपन करना चाहती हूँ, वो मेरी वाइटी फैमिली जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगी, जिन्होंने ये फुल एपिसोड जो है वॉच किया होगा, ये चीज उन्हीं को पता लगेगी कि देखिए कि पहले पुतन की जो मदर इन लॉ है वो बीमार हुई, डायबिटीज की वो पेशेंट थी, लिवर में उनकी प्रॉब्लम थी, जॉन्डिस उनको हो गया था, काफी वो क्रिटिकल बीमार थी, सिक थी, ठीक है। लेकिन सिक लीव की अर्जी लगा दी पुत्तन ने, पुत्तन चली गई वहां से, भाग गई, ठीक है। ऐसा ही करा है झूठी ने। अब जो है बेस्ट फ्रेंड जो है उनके जो हस्बैंड है वो काफी बीमार है क्योंकि चोट है, वो रो पड़े, ठीक है। लेकिन उनको अपने बच्चों का सहारा चाहिए था, लेकिन मोटू बिटिया जो है वो सिक लीव की अपनी अर्जी नहीं ले सके, या फिर अर्जेंटली एक दो दिन की छुट्टी नहीं ली उसने, या फिर वाकया में ही वो अपने पीहर में ही है मोटू बिटिया, है ना जी। लेकिन वहां से देखिए झूठ भी भागे। अब आप दोनों को ही देख सकते हो कि दोनों ही जो बहनें हैं वो अपने अपने पतियों से दूर हैं, दोनों के ही घर में कोई ना कोई बीमार था उस टाइम पर जब इनकी जरूरत थी, ठीक है। ये जब उस टाइम पे भाग लेती हैं दोनों, बताती भी जरूर से हैं कि देखिए अपने एपिसोड में कि ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे घर में, लेकिन नहीं, फिर भाग भी जाती हैं, नहीं देखती हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती हैं चीजों का, लेकिन एपिसोड में जरूर बता के अपनी मतलब वाहवाही तो मिलती कोई नहीं है ना। तो यही वो बातें हैं डीजेमी को। वैसे तो बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, लेकिन अभी सडनली शायद क्लोजिंग चल रही थी 31st की वजह से, इस वजह से छुट्टियां मिल गई थी। ये सब फैमिली जो है कोई ट्यूसडे वेनसडे वापस आ चुकी हैं, और आप लोगों को एडिट कर करके ऑल्ड ही वीडियोज जो हैं, एपिसोड जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये बातें मैंने यहाँ पर ओपनली आप लोगों के सामने खोल दी हैं कि देखिए कैसे अप्रैल फूल बनाएंगी ये लास्ट 30 अप्रैल तक, ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ एक और शेयर करने वाली हूँ बात, वो बात ऐसी है कुछ कि इनकी हरकतों पर नजर तो है ही है। अब सिर्फ और सिर्फ जो लोग कहते थे ना आंटी जी, तो आंटी वर्ड जो है वो बुरा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो झूठी है वो भी चिंटू की आंटी ही है, चाचा जो है, मामा जो है, सब अंकल आंटियां ही हैं, ताया जी जो है वो सब अंकल आंटी है, तो झूठी भी आंटी है, तो आंटी वर्ड जो वो बुरा नहीं है। नंदनपुर के नन्नू जिज्जा जाने की हमारे अक्कू जिज्जा जो है उनके फेवर में, उनकी सपोर्ट में उतर चुकी हैं उनकी ही अपनी ही बहन जाने की कंचू, जैसा कि ये दोनों पुत्तन की स्पोर्ट में उतरे हुए हैं झूठी और बत्ती बदतमीज, जहाँ फिर झूठी की स्पोर्ट में उतरे हुए हैं पुत्तन और बत्ती बदतमीज। आप लोगों के सामने सारी बातें हैं, आज का टॉपिक मैं यहाँ पे छोड़ूंगी, पार्ट 1 है ये, कल पार्ट 2 आएगा। लेकिन मैं जाने से पहले एक थोड़ा सा धमाका और करना चाहती हूँ कि यहाँ पर तो हम लोग एक सजेशन देते हैं कि अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा ही आगे जो है पास आउट करें, ठीक है जी। क्योंकि अच्छी ही सोच, एक पॉजिटिव सोच जो है वो इंसान को अच्छा बनाती है, ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन गलतियों के साथ साथ एक सजेशन भी देते हैं कि गलतियां ये हुई हैं जो हम लोगों को नजर आई हैं, और आपको सजेशन भी दी कि आप ऐसा कर सकते हो, अपने रिश्ते को एक टाइम दे सकते हो, अपने रिश्ते को एक मौका दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जाने से पहले कौन सा धमाका करना चाहती हूँ, यही कि बातें तो लेडीज लेडीज की चल रही थी, लेकिन अचानक से ही जेंट्स भी कूद पड़े हैं। मतलब वाईटी पे इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ये झूठी छाई हुई है। तो मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट कहाँ, किसने लीक कर दी है, जिस वजह से ऐसे धमाल जो है वाईटी पे हो रहे हैं। देखने के लिए मिलते हैं कल, डिस्कशन पे मिलते हैं पोस्ट पर। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।